वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने जाएंगे एक नई रेसिपी जिसका नाम है पीनट और तिल की बर्फी। तो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये बर्फी बहुत ही इजी और क्विक ऐसी बनने वाली रेसिपी है और साथ ही में बहुत हेल्दी भी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 1 कप तिल, करीब 250 ग्राम के करीब है ये। उसी सेम मेजर के कप से मैंने लिए हैं 1 कप पीनट्स यानी कि सिंगदाना, और उसी कप में मैंने लिया है ग्रेटेड जैगरी, जो ऑर्गेनिक या काला गुड़ होता है वो गुड़ मैं इसी रेसिपी में यूज़ करूँगी, लेकिन इसमें सिर्फ गुड़ जो है वो है 350 ग्राम्स। अब मैंने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया और उसमें अपने पीनट्स को डाल दिया और अब इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसमें करीब करीब एक 17 से 18 मिनट लगेंगे हमें इसे पूरी तरह रोस्ट करने में। बिल्कुल धीमी फ्लेम पे हमें इसको रोस्ट करना है, ज़्यादा बड़ी फ्लेम नहीं रखनी है वरना वो जल जाएंगे बाहर से और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो देखिए अब 7-8 मिनट के बाद ये जो पीनट्स हैं वो स्प्लिट होकर ओपन होने लगे हैं, इसका मतलब कि हीट अंदर तक पहुँच गई है और ये अच्छे से रोस्ट हो रहे हैं। और आगे 10 मिनट और हमने इनको रोस्ट कर लिया, टोटल 17 से 18 मिनट रोस्ट कर लिया। और देखिए हमारे पीनट्स का कलर भी अब बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अब हम ये पीनट्स को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और ठंडा होने के लिए अलग से रख देते हैं। अब इसी पैन में हमें अपने तिल भी रोस्ट करने हैं। तो ये जो तिल है 250 ग्राम वो मैंने अपनी कढ़ाई में डाल दिए और अब इसको हम रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल उसी तरीके से कि फ्लेम को मीडियम रखना है और करीब करीब 10 मिनट तक हमें इसे धीमे धीमे चलाते रहना। करीब करीब 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो तिल है, पहले तो ये वाइट और सफ़ेद थे कलर में और अब इनका कलर चेंज होकर एक गोल्डन कलर आ गया इन पे, यानी कि सुनहरा रंग। हमें बिल्कुल इसी कलर आने तक का इन्हें भून लेना है। तो देखिए अब तिल वगैरह भून के हो गए हैं, हमारे जो पीनट्स हैं वो भी रूम टेम्परेचर पे ठंडे हो गए हैं। तो अब हमें इनका छिलका उतारना है। तो अब छिलका उतारने के लिए मैंने क्या किया कि एक कॉटन का कपड़ा लिया है और एक नैपकिन जो होता है, कोई भी किचन टॉवल या नैपकिन आप ले सकते हैं, उसमें इसे डालिए और एक ऐसे इस तरह से बंडल फॉर्म करके उसको अच्छे से मसलना स्टार्ट कीजिए। करीब 5 मिनट मसलने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारे पीनट्स हैं यानी कि सिंगदाने हैं उसके जो पील है यानी कि स्किन है वो पूरी तरह सेपरेट हो चुकी है। अब उसी को मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे इस तरह से टैप करते हुए मैं जो छिलके हैं एक्सेस जो निकाले हुए उसके, उन्हें बाहर की तरफ बस निकाल रही हूँ। इसी तरह से टैप करते हुए हमें सारे छिलकों को हमारे पीनट से अलग कर लेने हैं। और देखिए लगभग 2-3 मिनट इसे टैप करने के बाद हमारे जो छिलके और पीनट्स हैं वो बिल्कुल अलग हो गए। तो ये हमारे पीनट्स और तिल रेडी हैं, अब हम इन्हें ग्राइंड करते हैं। तो ये मैंने ग्राइंडिंग जार में सबसे पहले ऐड किए कुछ पीनट्स जो हमने अभी रोस्ट करके पिल ऑफ कर लिए थे। अब इनको पल्स करते हुए मैं ग्राइंड कर रही हूँ। करीब करीब 3 से 4 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस में। अब देखिए ये खुरदरा सा रफ सा एक मिक्सचर तैयार हो गया, हमें थोड़ा और इसको ग्राइंड कर लेना है। अब देखना ये सेकेंड टाइम ग्राइंड करने के बाद में ये मिक्सचर कैसा दिख रहा है, इसका टेक्सचर कैसा है। देखिए ये बिल्कुल एक बॉल की शेप फॉर्म कर रहा है, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसी कंसिस्टेंसी तक हमें इस पीनट को ग्राइंड कर लेना है। इसी तरह से अब मैं सेम ग्राइंडिंग जार में हमारा ये जो तिल है यानी कि सेसमी सीड्स हैं उनको ऐड कर रही हूँ। इनको भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से हमें पल्स और ग्राइंड करना है, पल्स करते हुए ग्राइंड करना है। तो देखिए लगभग 2 से 3 मिनट ग्राइंडिंग जार को चलाने के बाद ये तिल अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं, उनका भी बॉल मिक्सचर फॉर्म हो रहा है। अब ये एक कढ़ाई मैंने हीट कर ली और उसमें मैंने करीबन 2 चम्मच घी ऐड किया है।
अब घी अच्छे से गर्म होने के बाद मैं इसमें हमारा जो 350 ग्राम्स ऑफ जैगरी है, यानी कि गुड़ है, काला गुड़ जो मैंने यूज़ किया है, उसको ऐड कर रही हूँ। अब हल्के से बस इसको हिलाते हुए उसमें पकने देना है। पकने देने से ये मतलब है कि उसको बस हमें मेल्ट कर लेना है, हमारे जो गुड़ है जो लिया हुआ उसे पूरी तरह से अच्छे से मेल्ट कर लेना है। घी गर्म होने की वजह से गुड़ जो है वो जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट होता है, प्लस अपने गुड़ को ग्रेट किया है इसलिए वो मेल्ट होने में आसानी होती है उसको। देखिए लगभग एक 5 मिनट के बाद हमारा जो गुड़ है वो बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है, कोई भी लम्स वगैरह उसमें बाकी नहीं है। तो अब इस स्टेज पर आने के बाद जब हमारा गुड़ पूरी तरीके से अच्छे से मेल्ट हो गया है, हम अपने गैस को बंद कर देंगे। और ये मैंने तिल और जो पीनट का मिक्सचर है उसको मिक्स कर लिया है और एक साथ करके उसको ऐड कर रही हूँ अपने गुड़ वाले मिक्सचर में, जो पिघला हुआ मेल्टेड गुड़ है उसमें ऐड कर रही हूँ। तो देखिए मैंने इस मिक्सचर को, दोनों भी मिक्सचर को एक साथ मिलाना स्टार्ट कर दिया है। अब अच्छे से हमें इस मिक्सचर को मिला लेना है, क्योंकि ये जब तक गर्म है, गुड़ लिक्विड फॉर्म में है, तभी तक ये मिक्सचर प्रॉपरली एक साथ मिल पाएगा। अब इसमें लगभग मैंने ऐड किया है 1 चम्मच इलायची का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर। अब फिर से एक बार मैं इसको सही से मिक्स कर रही हूँ एक साथ। आप देख सकते हैं कि इसका कैसे एक फॉर्म हो रहा है, एक बॉल कंसिस्टेंसी में ये सब आ गया है। और हाँ, मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, गैस की फ्लेम को ऑन रख के ये सब ना करें। तो ये मैंने एक कंटेनर ले लिया है जिसको मैंने घी से 1 टेबलस्पून घी लेके ग्रीस कर लिया है, और इसमें मैं कुछ तिल स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, बस डेकोरेशन पर्पज़ के लिए किया है। अब इसी में मैं अपना जो वो बर्फ़ी वाला मिक्सचर है तिल और पीनट्स और गुड़ का, उसको ऐड किए जा रही हूँ। अब अच्छे से इस मिक्सचर को ऐड करते हुए हमें ये जो पूरा मिक्सचर है उसको ऐसे टैप करते हुए, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, हमें इसको फैला लेना है और अच्छे से एक इक्वल शेप में उसको फैला कर सेट करना है। अब ये मिक्सचर लगभग वॉर्म जब तक है तब तक ही हमें इस पर स्लिट्स लगा लेने, यानी कि इसको कट कर लेना है। जो शेप में आप चाहें उस शेप में आप इसको कट कर सकते हैं। मैं इसको एक नॉर्मल स्क्वायर शेप में रखना पसंद कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसी तरह के उसको कट्स लगाए हैं। और ये कट लगाने के बाद लगभग 20 से 30 मिनट यानी आधे घंटे तक हमें इसे छोड़ देना है ठंडा होने। अब 20 मिनट हो गए हैं और देखिए मैंने एक करछी ले ली है, और अब मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ इसका। ये बिल्कुल हल्के हाथों से करना है वरना बर्फ़ी का पीस टूट सकता है। तो ये हमने हमारा पीस निकाल लिया है बर्फ़ी का। देखिए बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। ऐसी तरह से मैंने बाकी सारे पीसेस को निकाल लिया है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना, ये बहुत ही कम टाइम में होती है, इन ठंडी के दिनों में खाने के लिए बहुत बढ़िया लगती है, और साथ ही में बहुत हेल्दी रेसिपी है। तो आप गिल्ट फ्री होके इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं, खाने के बाद हो या कोई स्नैक्स के तौर पर हो, किसी भी तौर पर। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना, इस वीडियो को लाइक शेयर और इस पर कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, मेरी इस चैनल की रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।